क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में टेस्ट क्रिकेट का फॉर्मेट शुरू से अब तक चला आ रहा है। क्रिकेट में यह फॉर्मेट अभी भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। इसमें शतक, दोहरा शतक, तिहरा शतक के रिकॉर्ड बन चुके हैं। ऐसे में कई बल्लेबाज दोहरा शतक लगाने से चूक गए। दोहरा शतक से चूकने का मतलब यह है कि 199 रन बनाकर आउट होना, और यह खिलाड़ी अब मात्र एक रन से इतिहास रचने में चूक गए हैं। आइए जानते हैं ऐसे 10 बदनसीब क्रिकेटर के बारे में। नंबर 1, मुदस्सर नजर, पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध अक्टूबर 1984 में फैसलाबाद टेस्ट के दौरान पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाज मुदस्सर नजर 408 गेंदों पर 199 रनों पर आउट हुए थे। 199 के स्कोर पर आउट होने वाले टेस्ट क्रिकेट में वह पहले बल्लेबाज थे। नंबर 2, मोहम्मद अजहरुद्दीन, भारत। अक्टूबर 1986 में भारत के पूर्व दिग्गज कप्तान और महान बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन द्वारा भी श्रीलंका के विरुद्ध कानपुर टेस्ट में स्पिनर रवि रत्नायके की गेंद पर 199 रन बनाकर एबीडब्ल्यू आउट हुए थे। नंबर 3, मैथ्यू इलियट, ऑस्ट्रेलिया। वर्ष 1997 में इंग्लैंड के विरुद्ध लीड्स के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के सलामी बल्लेबाज मैथ्यू इलियट 351 गेंदों पर 26 चौके और 3 छक्कों की मदद से 199 रनों की पारी खेलकर डेरेन गफ की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए थे। नंबर 4, सनत जयसूर्या, श्रीलंका। इस लिस्ट में श्रीलंका के पूर्व महान विस्फोटक बल्लेबाज सनत जयसूर्या भी शामिल है। अगस्त 1997 में भारत के विरुद्ध कोलंबो के मैदान पर जयसूर्या सिर्फ 226 गेंदों पर 199 रनों की पारी खेलकर अवे कुरुविला की गेंद पर बोल्ड हुए थे। नंबर 5, स्टीव वॉ, ऑस्ट्रेलिया। 1999 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध ब्रिजटाउन के मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के पूर्व महान कप्तान और बल्लेबाज स्टीव वॉ 376 गेंदों पर 199 रनों की पारी खेलकर नहमाया पेरी की गेंद पर LBW आउट हुए थे। नंबर 6, यूनिस खान, पाकिस्तान। जनवरी 2006 में पाकिस्तान के पूर्व महान बल्लेबाज यूनिस खान भारत के विरुद्ध लाहौर टेस्ट की पहली पारी के दौरान 336 गेंदों पर 199 रनों की यादगार पारी खेलकर दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रनआउट होकर पवेलियन लौटे थे। नंबर 7, इयान बेल, इंग्लैंड। इस लिस्ट में इंग्लैंड के पूर्व महान बल्लेबाज इयान बेल का नाम भी शामिल है। वर्ष 2008 में साउथ अफ्रीका के विरुद्ध लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर बेल द्वारा 336 गेंदों पर 100 पर आउट हो गए। नंबर 8, स्टीव स्मिथ, ऑस्ट्रेलिया। 199 के स्कोर पर मौजूदा युग के सबसे सफल टेस्ट बल्लेबाजों में से एक ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ भी एक बार आउट हो चुके हैं। किंगस्टन के मैदान पर साल 2015 में वेस्ट इंडीज के विरुद्ध 199 रनों पर स्मिथ भी आउट हुए थे। नंबर 9, केएल राहुल, भारत। भारत के युवा बल्लेबाज केएल राहुल का नाम भी इसी लिस्ट के इकलौते सक्रिय इंडियन बल्लेबाजों में से एक है। 2016 में चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड के विरुद्ध राहुल 311 गेंदों पर 199 रनों की पारी खेलकर आदिल रशीद की गेंद पर आउट हुए थे। नंबर 10, डीन एल्गर, साउथ अफ्रीका। इस लिस्ट में शामिल इकलौते अफ्रीकी बल्लेबाज साउथ अफ्रीका के सलामी इकलौते बल्लेबाज डीन एल्गर का नाम भी शामिल है। सितंबर 2017 के दौरान बांग्लादेश के विरुद्ध एल्गर 388 गेंदों पर 199 रनों की पारी खेलकर आउट हुए थे।